नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को देखेंगे जिनके इस बार रेलवे में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे 5 क्वेश्चंस पूछा था जिसका बहुत सारे लोगों ने सही सही जवाब दिया है। तो आइए इस वीडियो में भी हम लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके भी आपको सही सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या हीलियम। तो सबसे पहले बात आती है कि उत्कृष्ट गैस होता क्या है। तो उत्कृष्ट गैस हम किसे बोलते हैं, तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। तो उत्कृष्ट गैस हमारा होगा क्या, तो पी ब्लॉक में हमारे आते क्या क्या है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और रेडॉन। तो हमारा उत्कृष्ट गैस क्या हो गया, तो हमारा उत्कृष्ट गैस हो गया उसमें से हमारा हीलियम है, तो हीलियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे आपका नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन या रेडॉन भी होता तो आपका वह भी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का मुख्य घटक क्या है। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो वायु का मुख्य घटक क्या होगा, इसके भी बहुत सारे लोगों ने सही सही जवाब दिया है। वायु का मुख्य घटक हमारा होता है नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसमें कितने परसेंट वायु होती है, तो इसमें 78% हमारी वायु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है किसके रूप में, कवकनाशी के रूप में, शाकनाशी के रूप में, कृतकनाशी के रूप में या गंधारक के रूप में। तो जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है हमारा कृतकनाशी के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम कहते हैं रोडेंटिसाइड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ग्रीन हाउस गैस हमारे कौन कौन से होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं इसमें हमारे। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस में कितने परसेंट पाए जाते हैं, तो 60%। फिर बात आ रही है आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड पूछ रही है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड कितने पाए जाते हैं, तो 6%। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा 14% पाया जाता है। इसके साथ साथ हमारा मीथेन पाया जाता है 20% एंड जलवाष्प पाए जाते हैं। बाकी हमारे हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट कर रहा है कटरीना नाम दिया गया किसे, उपग्रह को, तारे को, उष्मा तरंग को या प्रभंजन को। तो कटरीना नाम किसे दिया गया है, आपके दिया गया है उपग्रह को या तारे को या उष्मा तरंग को या प्रभंजन को, आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक उष्मा की मात्रा देती है। हमारे ऑप्शन है बिटुमेनी कोयला, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या पीट। आपसे पूछ रहा है कौन जो है प्रति इकाई हमारा उष्मा की मात्रा देती है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रति इकाई हमारा उष्मा की मात्रा देने वाली होती है आपका हो गया एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होने के कारण इसे हम बोलते हैं कि सबसे अधिक उष्मा देती है। कोयला आपके कुल 4 किस्म के होते हैं, जो कि चारों किस्म आपके ऑप्शन है बिटुमेनी कोयला, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और पीट। तो बिटुमेनी कोयला हमारा कितना पाया जाता है, तो बिटुमेनी कोयला हमारा 70-86% पाए जाते हैं, 70-86%, इसे आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा लिग्नाइट, लिग्नाइट कितना पाया जाता है, तो लिग्नाइट आपका 60-70% पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट आपका सबसे ज़्यादा कार्बन होता है एंथ्रासाइट में, कितना होता है, तो 92-98%, इस कारण ये सबसे अधिक प्रति इकाई उष्मा देती है। फिर आए बारी पीट की, पीट सबसे कम देती है 50-60%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या प्राप्त होता है, नियत आवृत्ति, नियत आयाम, आवृत्ति और आयाम में परिवर्तन या केवल आयाम में परिवर्तन। तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन से हमें क्या प्राप्त होता है, तो नियत आयाम प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब नियत आयाम प्राप्त होता है, नियत आयाम होता क्या है, तो किसी माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे हम आवृत्ति कहते हैं, और आवृत्ति मॉड्यूलेशन से हमें नियत आयाम प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। हमारे ऑप्शन है 3.6 मेगाजूल, 3.8 मेगाजूल, 3.2 मेगाजूल या 4.0 मेगाजूल। तो 1 किलोवाट घंटा हमारे किसके बराबर होता है, 3.6 मेगाजूल के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्रिज्म में प्रकाश की विभिन्न रंगों का विभाजन कैसे होता है। आपके ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रिज्म के विभिन्न रंगों का विभाजन हमारा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक कौन सा होता है, अल्कोहल या पारद या इथर या पानी। तो सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक हमारा होता है पारद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
पारद और अल्कोहल दोनों में एक समान रूप से प्रसार होता है, लेकिन पारद अधिक उष्मा सुचालक होता है और अल्कोहल कम होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी होती है, लोहा या एल्युमिनियम या कॉपर या जिंक। तो तड़ित चालक बनाने के लिए सबसे प्रयुक्त धातु हमारी होती है कॉपर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब ये तड़ित चालक होते क्या है, तो ये कॉपर धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। आकाशीय जो विद्युत आती है उससे रक्षा के लिए हम तड़ित चालक का प्रयोग करते हैं, जो कि एक लंबी छड़ होती है वो कॉपर की बनी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, स्मॉग एक मिश्रण है किस चीज़ का, वायु और जल वाष्प का, जल और धूम्र का, अग्नि और जल का, धूम्र और कोहरे का। तो वायु स्मॉग किस चीज़ का मिश्रण होता है, तो स्मॉग हमारा होता है धूम्र और कोहरे का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा होता है। आपके ऑप्शन है गुरुत्व बल, स्थित वैद्युत बल, चुंबकीय बल या नाभिकीय बल। तो हमारे पास कुल चार तरह के मूल बल होते हैं, जो कि चारों आपको ऑप्शंस में गुरुत्व बल, स्थित वैद्युत बल, चुंबकीय बल और नाभिकीय बल। तो सबसे दुर्बल बल हमारा होता है गुरुत्व बल, उसके बाद हमारा आती है बारी चुंबकीय बल की, उसके बाद आती है स्थित वैद्युत बल की, और सबसे जो सशक्त बल होता है वो हमारा होता है नाभिकीय बल। तो अगर आपसे सशक्त बल पूछा जाए तो नाभिकीय बल, दुर्बल बल पूछा जाए तो गुरुत्व बल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति गोल होती है, क्यों होती है, श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण या गुरुत्व बल के कारण। तो वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति गोल होती है हमारी किस चीज़ के कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है। आपके ऑप्शन है स्वच्छ जल, नमकीन जल, पेट्रोल या मरकरी। तो सबसे कम हमारा घनत्व होता है इन ऑप्शंस में अगर देखें तो पेट्रोल की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है, जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया या संवेग। तो पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है हमारा प्रतिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा कौन सा सिद्धांत पे हुआ, तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम में आपको होता है कि प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। तो हम पत्थर को ठोकर मार के एक क्रिया करते हैं तो वो प्रतिक्रिया के रूप में हमें प्रतिक्रिया होती है, तो उससे चोट लगती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके ऑप्शन से अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाशीय फाइबर जो होता है वो हमारा काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस सिद्धांत के में क्या होता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है। तो यही हमारा सिद्धांत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है आसवन, वाष्पन, फिल्टरन या प्रभाजी आसवन। तो समुद्री जल को हम शुद्ध करते हैं किस प्रक्रिया के द्वारा, तो वाष्पन क्रिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, श्वेत कोयला किसे कहते हैं, यूरेनियम को, जल विद्युत को, हीरा को या बर्फ को। तो श्वेत कोयला हम कहते हैं जल विद्युत को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या होता है, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम साइनाइड, लेड नाइट्रेट या जिंक फॉस्फाइड। तो चूहे के विष का रासायनिक नाम हमारा होता है क्या, तो चूहे के विष का रासायनिक नाम होता है आपका जिंक फॉस्फाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जिंक फॉस्फाइड हमारा होता है यह करता क्या है, कैसे इसे हम चूहे के विष, ये चूहे के अंदर विष कैसे लाता है, तो ये चूहे के पाचन तंत्र में उपस्थित जो अम्ल होती है उससे क्रिया करके जहरीली फॉस्फीन गैस उत्पन्न करती है, इससे चूहे के विष, चूहे में विष उत्पन्न हो जाती है और वो मर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 क्वेश्चन, जैसा कि हमने आपको बोला था आपको इसके आंसर से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है। आपके ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या सिट्रिक या ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक कौन सा होता है, सीसा या NO2 या SO2 या HG। नेक्स्ट है, चेचक होने का कारण क्या है, कौन सा वायरस, रूबीओला वायरस, वेरियोला वायरस या वेरिसरेला या मिक्सो वायरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं किसके, स्टार्च के, ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के या माल्टोज के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा यहाँ पर हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके जरूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।